सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। नहीं, आज का ये एपिसोड ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो चलिए, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको ओवरऑल मिलिट्री से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनने में आपको मजा भी आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और ये फैक्ट्स केवल इंडियन मिलिट्री तक लिमिट नहीं होने वाले हैं, बल्कि इसमें हम ग्लोबल लेवल की मिलिट्री के फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10, अगर आपसे कोई सवाल करे कि पांच ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम बताइए जो आवाज की रफ्तार से तेज चलने में सक्षम है, तो हमें तो नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब देने में आप में से किसी को भी कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आज के समय के लगभग हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट आवाज की रफ्तार से तेज चलने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर कोई ये सवाल करे कि वो पहला पायलट कौन था जिसने आवाज की रफ्तार से तेज चलने वाले एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी थी, शायद आप में से बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि वो पहले इंसान थे चक कीगर, जो कि यूएस एयरफोर्स के पायलट थे और एविएशन हिस्ट्री में यही सबसे पहले पायलट हैं जिनका आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने का कंफर्म रिपोर्ट है, यानी कि चक येगर साउंड बैरियर को ब्रेक करने वाले सबसे पहले पायलट हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि एक बार अमेरिकन फिफ्थ जनरेशन फाइटर F-22 और यूरो फाइटर टाइफून के बीच एक मॉक डॉग फाइट कराई गई थी, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस मॉक डॉग फाइट में जो यूरो फाइटर टाइफून है वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर F-22 की तुलना में ज्यादा बेहतर निकल के सामने आया था। और फिर इस तरह का रिजल्ट देखने के बाद यूएस एयरफोर्स ने इस मॉक डॉग फाइट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया था। और जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मैटर करती है, लेकिन स्किल्स उससे ज्यादा मैटर करती है। नंबर 8, 1983 में इसराइल के एक पायलट थे जिन्होंने F-15 फाइटर को केवल एक विंग के साथ लैंड करवाया था। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि लैंडिंग के बाद इसराइल के उस पायलट को मालूम पड़ा था कि उनके F-15 फाइटर में इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि उसका एक विंग है ही नहीं, और उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें ये प्रॉब्लम पहले मालूम पड़ जाती तो वो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर जाते। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 35 साल पहले अमेरिका के F-15 फाइटर ने ऑर्बिट में मौजूद एक सैटेलाइट को शॉर्ट कर दिया था, और ये घटना कोल्ड वॉर के समय की सबसे रिमार्केबल फीट्स में से एक है। और आपको ये भी बता दें कि ये इस तरह का पहला और एकमात्र इवेंट है जब किसी फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से किसी सैटेलाइट को शॉर्ट किया गया हो, और उस समय सैटेलाइट को शॉर्ट करने के लिए AGM-135 एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि फिर कोल्ड वॉर के अंत तक जो इस तरह के एंटी सैटेलाइट वेपन थे उनके विकास को काफी स्लो कर दिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि जिस AGM-135 मिसाइल से F-15 ईगल ने सैटेलाइट को शॉट किया था, ये मिसाइल F-15 में इंटीग्रेट की गई अभी तक की सबसे लार्जेस्ट मिसाइल है। नंबर 6, अगर हम आपसे ये सवाल करें कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी ही बुलेट से अपने आप को ही शॉट कर सकता है, तो शायद आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि 1956 में इस तरह की घटना हो चुकी है। असल में उस समय एक F-11 फाइटर ने अपनी खुद की ही बुलेट से अपने आप को शॉट कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ था, तो आपको बता दें कि उस F-11 फाइटर की जो रफ्तार थी वो उसके द्वारा फायर की गई बुलेट से भी ज्यादा थी, जिसके चलते जब उसने बुलेट को फायर किया तो वो अपने बुलेट से इतना तेज निकला कि वो बुलेट उस पे ही लग गई। मतलब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में तो क्या ही कहें। नंबर 5, आप में से हर कोई अमेरिका के F-35 के बारे में तो जानता ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फाइटर है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये सही मायनों में एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर है। हालांकि इसकी काबिलियत को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक ट्रू फिफ्थ जनरेशन का फाइटर है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि अमेरिका के जो F-35 प्रोग्राम है इसकी कीमत काफी ज्यादा है, पर सवाल यह है कि कितनी ज्यादा है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो F-35 प्रोग्राम है इसकी अकेले की जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की टोटल कॉस्ट के 7 गुना है। और अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कॉस्ट के बारे में जानना है तो गूगल पर आपको आसानी से मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकन एविएटर ने अपने डैमेज बॉम्बर से इजेक्ट होते समय एक जैपनीज फाइटर प्लेन के पायलट के हेड में शॉट मारकर उस एयरक्राफ्ट को शॉट किया था, वो भी केवल अपने साइड आर्म से, यानी कि अपनी पिस्तल से। और उस एविएटर ने यह तब किया जब वो अपने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट हुआ और उस समय वो पैराशूट में था। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक रशियन फाइटर पायलट थे जिनका नाम था T-Kuznetsov, तो उस दौरान उनका फाइटर प्लेन शॉट हो गया था, लेकिन जिस जगह पर उनका प्लेन क्रैश हुआ था ठीक उसी के पास एक जर्मन पायलट ने भी लैंडिंग की थी। और उसने वो लैंडिंग सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि जिस रशियन फाइटर प्लेन को उसने शॉट किया था वो ये देखने गया था कि वहाँ पे कोई सर्वाइवर है या नहीं। और कमाल की बात यह है कि जो सर्वाइवर था उसने उसी जर्मन पायलट का प्लेन चुरा लिया और उसे अकेले उड़ा के घर तक ले आए। नंबर 2,
1970 में रशिया के MiG-25 फाइटर के अधिकतर जो एवियोनिक्स थे उन्हें वैक्यूम ट्यूब्स में इंप्लीमेंट किया जाता था, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उन्हें न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 1 पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, लॉकहीड मार्टिन के SR-71 ब्लैकबर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा, जो इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है, और इसकी जो रफ्तार थी वो करीब Mach 3.32 तक थी, यानी कि 3,959 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे एक स्ट्रेटेजिक रिकॉनसेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाया गया था, और इसकी ये रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके बनाने वाले डिजाइनर्स ने इसे मैनुअल करने के हिसाब से डिजाइन ही नहीं किया था, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी थी कि इसे कोई पकड़ ही नहीं सकता था। और इस एयरक्राफ्ट को जो पायलट उड़ाता था उसे साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके का खतरा होने पर उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, और वो है अपने एयरक्राफ्ट को एक्सेलरेट करना फुल स्पीड में, और फिर उस खतरे में कोई मिसाइल ही क्यों ना हो तब भी इस एयरक्राफ्ट की रफ्तार इतनी थी कि वो मिसाइल इसे कभी पकड़ ही नहीं सकती थी। यानी कि इस एयरक्राफ्ट को जो हिसाब था वो बिल्कुल सीधा सीधा था कि खतरा पाते ही बिल्कुल धुआं हो जाओ। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।